हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। गांव झंझाड़ी में देर रात अज्ञात हमलावरों ने किराना स्टोर पर बैठे गोल्डी नाम के युवक, उसके पिता और चाचा पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये जो जड़ी गांव है, जो जड़ी से बनीकुर्द रोड है, वहाँ पे एक शॉप जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट सामने आया है। तो तीन व्यक्ति हैं, इंजर्ड हैं, उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है और बाकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो आपके सामने जारी है और फैसिलिटी मेरी स्पॉट पे है। जो भी एविडेंसेज यहाँ कलेक्ट करके उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन। उसमें गोल्डी नामक व्यक्ति है, वो उस मुकदमे में अरेस्टेड है। तो उसी की शॉप है ये, उसके फादर और चाचा उसकी शॉप को संभालते हैं, उसी की शॉप है। और बाकी ही वाज अरेस्टेड इन दैट केस। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जमानत पे बाहर है और अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी चल रही है। उससे भी पूछताछ अभी होगी जो कौन लोग थे, उनमें से कोई आइडेंटिफाई करता है नहीं, तो जो बाकी है अभी तो जैसा आपके सामने स्पॉट है, इनिशियल जो बात है फायरिंग इंसिडेंट सामने है।